Hello dear students, my name is Manvendra Jeevan and this video is for class 4th and discussion about chapter 1, second video and last video. Yes, आपने सही सुना, यह chapter 1 का last video है. पहले video में मैंने basics पढ़ा की बात की थी. इस बार मैं आपके second topic पर बात करूँगा, जो कि आपके book का है, development of computers. मैंने कुछ दिन पहले ही 4 या 5 तारीख को 5 मई को मैंने इसके अगेंस्ट में आप लोगों को वर्कशीट दिया था, जिसमें कई सारी फिगर्स वगैरह बनाई थी. उस वर्कशीट को याद से अपने कॉपी में उसको ड्रॉ भी कीजिएगा, कंप्यूटर में का के कॉपी में उसको उतार भी लीजिएगा और याद कीजिएगा. उसी चैप्टर उसी पार्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपका चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा और इसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके उसका वर्कशीट आपको बनाकर दे दूँगा. ओके, नाउ स्टार्ट. डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहला एबेकस. एबेकस एक स्लेट की तरह एक पट्टी होती थी जिसमें रड लगे होते थे और उनमें गोलियां होती थी, और यह लगभग आज से 5000 साल पहले सबसे पहला काउंटिंग मशीन हुआ करता था, जिसको हम ये मान सकते हैं कि यह कंप्यूटर की पहली बहुत दूर दूर तक इसकी शुरुआत हुई गिनने से, चूँकि कंप्यूटर मेनली काउंटिंग मशीन ही है, कैलकुलेशन मशीन है. कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक काउंटेबल मशीन. तो इसकी शुरुआत आज से 5000 साल पहले एबेकस में हुई. तो एबेकस को भी हम इस पार्ट में रखते हैं. सेकंड, नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने 1614 में भी एक इसी तरह का इक्विपमेंट तैयार किया, जिसका नाम ही रख दिया गया, उन्होंने अपने नाम पर रख दिया नेपियर्स बोन. 1614 में इसका इजाद किया गया. तो इसमें भी क्या था कि इसमें भी रड्स लगे होते थे और जिसका यूज जनरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था. ओके, नाउ पास्कल लाइन तीसरे नंबर पर, जो कि 1642 में इसकी खोज की गई थी. यह मशीन भी पास्कल लाइन भी लगभग उसी तरह का था, जिसमें कि काउंटिंग ही कर सकते थे. यानी कि अभी तक तीनों जो मशीन एबेकस, नेपियर बोन, पास्कल लाइन, काउंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ घटाओ गुना और भाग करना ही हम इसमें कर सकते थे. इससे ऊपर के कैलकुलेशन हम अभी नहीं कर सकते. सही रूप से अगर कंप्यूटर की अगर बात की जाए, दैट इज एनालिटिकल इंजन, जो कि 1883 में इसकी खोज की गई, जिसको चार्ल्स बैबेज ने खोजा था या मैंने बनाया था, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं. सही मशीन के रूप में कैलकुलेटिंग और प्रोसेसिंग डिवाइस को उन्होंने बनाया 1833 में, जिसको हम कंप्यूटर का फाउंडेशन भी कहते हैं, मैंने कंप्यूटर की आधारशिला उन्होंने ही रखी. यह एक इंजन था बाकायदा, वह इंजन की तरह जैसे रेल की इंजन या किसी बाइक की इंजन जैसा सर काम करती है, टिपिकल एकदम कैलकुलेटिंग करके उस तरह से एनालिटिकल इंजन था. ओके, नाउ IBM मार्क वन. इसकी खोज 1943 में की गई थी. IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IBM एक कंपनी भी है आज, यही कंपनी उस समय से आज तक रन कर रही है और IBM के कंप्यूटर्स दुनिया भर में मशहूर हैं. ठीक है, तो IBM इसको ग्रेस हूपर नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था 1943 में. यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बेस था. इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब कि इसमें यह बिजली से चलने और मशीन और बिजली, कंप्यूटर भी मशीन है, लेकिन टेक्निकली नेम के रूप में, अभी तत्काल लगा आप इतना ही समझिए कि टेक्निकली नेम के रूप में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, जिसकी शुरुआत IBM मार्क वन. ये बाद में आप अगले क्लास में देखेंगे मार्क वन, मार्क टू, मार्क थ्री, ये भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन तत्काल चूँकि अब 3 से 4 में आए हैं, तो बस अभी इन्फॉर्मेशन सिर्फ नाम से जानिए कि एबेकस, फिर नेपियर बोन, फिर पास्कल लाइन, फिर एनालिटिकल इंजन, फिर IBM मार्क वन. क्लियर. नाउ ENIAC, यह टोटली इलेक्ट्रिकल मशीन थी, इसमें मैकेनिकल्स नहीं था, ये टोटली इलेक्ट्रिकल मशीन थी. इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. ठीक है,
तो यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फुली पूरी तरह से हर तरह के कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन ये सारे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बड़े थे। बड़े का मतलब यह कमरों में आते थे, आज एक टेबल और एक जेब में आने वाली बात नहीं थी। सारे मशीनें सिर्फ वही हैंडल कर सकते थे जो उनको जो बाकायदा साइंटिस्ट थे। आम लोग इसको यूज नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ एक खास तबके के लोगों के लिए मशीनें थी। कौन कौन सी? एनालिटिकल इंजन, IBM और ENIAC। ठीक है, तो तत्काल इस चैप्टर में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, छोटा छोटा आपके बुक में टॉपिक दिया गया है कि सिर्फ आप उसका नाम से जानिए। ये आपकी जानकारी चाहिए कि भाई कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कैसे कैसे खोज की गई। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले एबेकस, नेपियर्स बोन्स, पास्कल लाइन, एनालिटिकल इंजन, IBM Mark 1 और ENIAC। क्लियर? तो ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। मैं आपको ये सारे पांचों पार्ट्स सिर्फ आपको नेम, यस, आप ध्यान से सुनिए, बिना मतलब अपने दिमाग पर बोझ नहीं डालना है कि एबेकस या इन सब के थ्योरी जो बुक्स में है वो सब याद करने, नहीं, उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी जानकारी चाहिए उतनी ही। तो जो मैंने एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया था कि एबेकस 5000 साल पहले खोजा गया था, नेपियर्स 1614, पास्कल लाइन 1642, एनालिटिकल इंजन 1883, IBM Mark 1 1943, ENIAC 1946, इतना ही याद करना, बस इसके साथ के नोट्स नहीं याद करने। इसलिए बोझ नहीं लेना है अपने दिल पर, आराम से, बहुत आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिना मतलब, आप जानते हैं कि जितनी जानकारी हमको काम करने के लिए चाहिए मैं उतना ही प्रेशर आपको दूंगा। ओके, तो सिर्फ वो ग्राफ याद कर लीजिएगा, उस ग्राफ को अपने कंप्यूटर में उतार लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो इसके बाद से सेकंड टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट पिछले बार भी मैंने बात की थी, ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात नहीं है कि हम जो भी इनपुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा उसके, और उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। मतलब कि अगर मुझे मैंने 500 + 600 दिया है तो निश्चित बात है कि हम चाह रहे हैं कि इस दोनों का ऐड हो, तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और आपको आंसर 1100 मिलेगा। किसी भी तरह के जॉब को करने के लिए पहले हमको, जैसे हम नोटपैड में काम करते हैं, हम वर्ड पैड में काम करते हैं, तो नोटपैड में हमने कुछ लिखा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया, कुछ तस्वीरें लाई, कुछ और किया वर्ड पैड में, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया, उसको सजाया, उसको एक फाइल का रूप दिया, सेव किया, हमको आउटपुट मिल गया। इसी तरीके से हम कंप्यूटर से कई सारे धुन तैयार कर सकते हैं, हमने बहुत सारे धुन के बटन्स दबाए, उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैं बस समझा दे रहा, हमने कीपैड से उस धुन को बनाया, बजाया, हेडफोन कान में लगा हुआ है, हमने टेस्ट किया, समझा कि हाँ ये धुन अच्छी है, ये धुन अच्छी है, ये इस गाने में सूट करेगा, उस गाने में सूट करेगा, उसको हमने कर लिया, उस वाले पार्ट को ऐड कर दिया, उस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया, उसको कंबाइन करके एक नया गाना बना दिया, दैट इज हमारा आउट, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, तो अब आपका आज इस वीडियो से के साथ ही चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आप पिछले वाले वर्कशीट को लिख करके, उसको ड्रॉ करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इस चैप्टर के लिए अब नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा, अब नेक्स्ट वर्कशीट मैं दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलेंगे। आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद अब चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।